सुशील भाई के बाद जिम्मेदारी हमारी है। सुशील भाई ने लगातार कई दिनों तक पानी डाला है, तो जैसा कि नीना जी ने पैच बना दिए हैं, तीन तरह के जोन है, एक जो दूसरे छोर पर है कूल के उस पार, एक इधर वाला जोन है और तीसरा चबूतरे से नीचे वाला जोन है, उस पर सब पानी डाल रहे हैं। तो मैंने आज अपनी भूमिका निभाते हुए आज एक घंटे का, लगभग एक घंटा मैं पानी डालूँ, क्योंकि आज ऑफिस निकलना है मुझे, और सुबह आ गया था मैं 7 बजे, आज बच्चों को छोड़ने का संकट नहीं था, तो लिहाजा आज के हिस्से का पानी ये हमने कद्दू की बेल भी लगाई है। क्या नाम है, संजय ने कहा था कि कद्दू की बेल जरूर आएगी, तो यहाँ कद्दू की बेल आप देख सकते हैं कि ये भी ठीक ठाक अच्छी खासी हो रही है। और ये पौधा राम प्रसाद कोटाला जी, शकुंतला कोटाला जी का पौधा बहुत अच्छा सा हो गया, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सुंदर पौधा बन गया है, और लगातार पानी डालेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ये हमारे उपाध्यक्ष माधुरी रावत जी का लगाया हुआ पौधा है, नई खोपलें फूट रही हैं, हालांकि पतझड़ के बाद पत्ते चले गए थे। ये पौधा अर्चना गवाड़ी के परिजनों ने लगाया था अपने दादाजी के नाम पर, और देखिए बहुत सुंदर हो गया है, आजकल खूब नए पत्ते आ रखे हैं इसमें। ये सुमन उनियाल जी का लगाया पौधा है, मेरे ख्याल से पोडोकार्पस का, ये भी बहुत सुंदर बन पड़ा है, देखेंगे इसके पत्ते एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास हो रहे हैं। ये परमेश्वर प्रसाद मंगाई जी, पुष्पलता मंगाई जी ने जो पौधा लगाया था, ये भी अच्छा हो गया है, उसकी निराई गुड़ाई करने की ज़रूरत है थोड़ी सी। हम लोगों ने जो पीछे की दीवार है उसके आसपास काफ़ी सारे बोगनवेलिया लगाए थे, तो आप देख सकते हैं बोगनवेलिया में इन दोनों फूल आ गए, छोटे छोटे पौधे हैं तो लगातार पानी देने से हरे हैं और उनमें खूब पत्ते आ गए। ये तारा गौड़ जी ने मदन मोहन गौड़ जी के नाम से जो पौधा लगाया था वह सुंदर बन पड़ा है, नई कोपले आ गई हैं इस पर। तारा गौड़ जी को विशेष आभार, वो धात के आदरणीय साथी हैं। ये मंजू काला जी ने लगाया था अपने पिताजी की स्मृति में, उनकी माँ जी ने, तो ये पौधा भी अच्छा हो गया, इसकी खूब सारी नई नई कोपलें आ गई हैं, देख सकते हैं। ये हमारे बॉस, मेरे एविगेट बॉस लेसी के श्री पुनीत सिंगल जी द्वारा अपने पिताजी के लिए पौधा लगाया गया था और अच्छा हो गया, इसमें भी हर एक कोपल आ गया। और ये जनरल बिपिन रावत का पौधा, ये भी बहुत सुंदर पौधा हो गया और लगातार पानी पड़ रहा है इस पर, इसकी रौनक आ गई। ये पौधा रजनी रावत जी ने लगाया था, थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन इस पर भी कोपलें नहीं आ गई है, क्योंकि कई सारे पौधे यहाँ पर बहुत अच्छे हो रहे हैं, कई सारे पौधे नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए काम करने के लगातार पानी डालने की ज़रूरत है। और ये हमारे भगवती भाग गंगवाल जी, जिनका धात प्रकाशन की और ट्रस्ट की बहुत सारी स्मृतियाँ, इनके नाम से लगाया पौधा बहुत सुंदर हो गया है। और ये पौधा मेरे धात के एलआईसी के साथ ही नंदलाल शर्मा जी अपनी माता जी के निमित्त लगाया था, इसमें भी पौधा तो काफ़ी हेल्दी है, बस पत्ते आजकल गिर रखे, तो जल्दी तो पौधे आएंगे और नई कोपले फूटेंगे। और ये पौधा मथुरादत्त मठपाल जी के नाम पर लगा है, मथुरादत्त मठपाल जी कुमाऊनी भाषा के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी कविताएँ और उत्तराखंड की भाषाओं के लिए बहुत काम किया है, तो उनके नाम से पौधा लगाया था मैंने हरेला में, और ये अच्छा हो गया, इसे खूब अच्छे पत्ते आ रखे हैं, तो बढ़िया बन गया है। और हरन असवाल जी जो धात के बहुत अच्छे साथी हैं, हमेशा हर काम में उनका सहयोग रहता है, उन्होंने पौधा लगाया था अपने पिता और माता जी के नाम पर, बहुत सुंदर हो गया नील मोहर का पौधा, ये देख सकते हैं। इस तरह से आज काफ़ी सारे पौधों में पानी डाला, लगभग एक सवा घंटे का समय मैं यहाँ उपलब्ध रहा, तो बस मैंने अपनी टर्न निभा दी है। अब कल अमोली जी या नीना रावत जी आएंगे अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, और इस तरह से क्रमशः हम सब एक एक करके यहाँ पर छोटा छोटा श्रमदान करके पानी डालते हैं। हेलो।